सुत्रेता और द्वापर युग में मल्लयुद्ध और गद्ययुद्ध के रूप में प्रचलित थी। आपने रामायण में तो सुना ही होगा कि जब हनुमान जी पहली बार रावण के सम्मुख पहुंचे तो रावण ने उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी पूंछ का ही आसन बना लिया था। तभी तो हनुमान जी और गणेश जी इस विद्या के आराध्य देव माने जाते हैं। Ladies and gentlemen, let us take all of you to the forthcoming fact. The decision to declare the ancient game Malkhamb as state official sport in a meeting chaired by Honorable Chief Minister किया जाता है। ये होनार बच्चे जो भी कुछ कर रहे हैं एक प्रशिक्षण के बाद ही इनको इस लायक बनाया जाता है कि वो स्कूल का और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें। आसमान की ऊंचाई चढ़ते हुए ये बच्चियां जो कर्तव्य कर रही हैं, अनामिका यादव, जिज्ञासा जादव, आयुषी कनकने और देविका, ये रोज मलखम पर अपने कर्तव्य दिखा रही हैं, बिना किसी सहारे और सपोर्ट के बैलेंस बनाते हुए। और पद्मासन की मुद्रा में ब्रिजवाला कौशिक और मुस्कान, साथ ही साथ के स्केटिंग जो कि एक अनिवार्य गेम बन गया है आजकल आपके सामने दर्शाते हुए। धन्य हैं ये माँ बाप जिन्होंने इन बच्चों को इस लायक बनाया कि ये बच्चे हमारे देश की शान है, बुंदेलखंड का गौरव है। Malkhamb is an ancient sport and players are required to have a unique technique and players mastering it can also excel in wrestling, gymnastics, pole vault and other sports according to the expert under the Mission Olympics 2020 scheme. The government would impart training to budding talents in such a manner that they represent India in Olympics 2020 as being said by the officials.